अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं फिजिक्स की न्यू बुक के चैप्टर 11 का, चैप्टर 11 की न्यूमेरिकल्स। चैप्टर का नाम है साउंड, तो साउंड से रिलेटेड ही इसकी न्यूमेरिकल्स हैं। पहले हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1, लेकिन न्यूमेरिकल नंबर 1 करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज को रिकॉल कर लें। लास्ट चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीच इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। ठीक है, याद था कि ये वेवलेंथ है, ओके, और इसका यूनिट था मीटर, ये फ्रीक्वेंसी है, इसका यूनिट था हर्ट्ज, और स्पीड का यूनिट तो आप लोग जानते ही हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके अलावा ना एक न्यू फॉर्मूला भी यहाँ पर आप लोग करिएगा। वो न्यू फॉर्मूला ये है, क्योंकि साउंड को फर्क पड़ता है टेम्परेचर से, तो क्या होगा, स्पीड में फर्क पड़ता है साउंड को, सॉरी, साउंड की स्पीड में फर्क पड़ता है टेम्परेचर से। तो ये जो आपके पास 331 है, ये तो आपका स्टैंडर्ड कहलाएगा, या 332 होता है कभी कभार। और फॉर्मूला ये है कि जो भी टेम्परेचर दिया हो उसे आप डिवाइड कर देंगे 273 से, और इस तरह। तो ये टेम्परेचर है, और टेम्परेचर आपको यहाँ पर कैलविन में रखना है, सही है। तो ये आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई, और ये वी वो है जो किसी टेम्परेचर पर आएगा। यहां मैं किस तरह का टी शो करूं, कैपिटल टी शो करती हूँ। ओके, चलें अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 में कह रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड। अच्छा, डाटा दिया हुआ ना, तो वो रिक्वायर्ड है, डायरेक्टली कह रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड, तो मैं इसे रिक्वायर्ड की हेडिंग में लिख रही हूं, सही है। कैसे लिखूंगी, वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, आगे क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, सेंटीग्रेड दिया हुआ है, जबकि मैंने वो कहा कि केल्विन में लेना है, तो आपको उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा, +273 करते हैं कन्वर्जन। जब भी आपको डिग्री सेंटीग्रेड से, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आना होता है, तो 273 ऐड करते हैं। जब आप 273 ऐड करेंगे इसमें, तो आपका आंसर आएगा 323। ओके, अच्छा, स्पीड वैसे फॉर्मूले में दी हुई है, लेकिन इन्होंने भी दे दिया आपको स्पीड के 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वी जीरो यहाँ लिख देती हूँ मैं, वी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड है 331 मीटर पर सेकंड। और आपको डिटरमाइन करनी है, यही न्यूमेरिकल है, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर वाला न्यूमेरिकल फॉर्मूला तो यही है। आपने क्या करना है, डायरेक्टली यही फॉर्मूला की हेडिंग डालनी है, और फॉर्मूला की हेडिंग डालने के बाद फॉर्मूला कॉपी करना है, ओके। और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है इस बार, अभी नहीं, अभी तो हम टेम्परेचर नहीं लिख रहे हैं ना, तो क्या कर रही हूँ मैं, 331, ओके, और फिर यहाँ टी और 273, 331 लिखना भूल गई थी। अब क्या करेंगे, बस वैल्यू प्लेस करेंगे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड बोला है ना, यहाँ कैल्विन मेंशन करना है, वी 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास आएगा 331। तो ऐसे ही लिखा हुआ था, टेम्परेचर आप यहाँ रखेंगे 323, और 273 से इसका डिवीजन कर लेंगे। ओके, फिर आप आगे ऐसे ही वी चीज जो आपको मालूम करने के लिए दिया हुआ है, 323 का डिवाइड करें, तो आपके पास आंसर आएगा डिवीजन के बाद 1.183। एक दो डिजिट और भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, रूट करेंगे, तो रूट का आंसर आएगा आपके पास, रूट का आंसर क्या आया, 1.08। दो डिजिट ले लें, बहुत है, सही है, या राउंड ऑफ करके 109 ले लें। ओके, और वी इज इक्वल टू, फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 359.79। और अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ होता है 9 है, तो आपको पता है एक डिजिट बढ़ाकर लिख देते हैं, तो 8 हो जाएगा, फिर एक डिजिट बढ़ाएंगे, तो ये आपके पास 360 के अप्रॉक्स आ रहा है, जो आपका बुक का आंसर है। ओके, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व हो गया हमारा। तो ये न्यूमेरिकल तो काफी सिंपल था, क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर प्लेस करना था। अब न्यूमेरिकल करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, अ पर्सन हैज एन ऑडिबल रेंज, मतलब डाटा हमें दिया हुआ है, ऑडिबल रेंज दी हुई है फ्रिक्वेंसी की, फ्रॉम 20 हर्ट्स
टू 20 किलोहर्ट्स। अच्छा, दो फ्रिक्वेंसी दी हुई है हमें, तो हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी वन लिख देंगे 20 हर्ट्ज, जो कि आपकी मिनिमम रेंज है, मतलब इससे कम फ्रिक्वेंसी पे आवाज़ जो है आप नहीं सुन सकते। और फ्रिक्वेंसी टू दी हुई है उन्होंने, कितनी दी हुई है, 220 किलोहर्ट्स। अच्छा, सेम लग सेम नहीं है ना, यूनिट चेंज है, सेम लग रहा है इस तरह। किलो को आप चेंज करेंगे, किलो जब भी आप हटाते हैं ना तो 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये रूल है, ठीक है। तो आपका हर्ट्स में आ जाएगा ये 20,000 किलो हर्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये F1 F2 तो हो गया, आगे कह रहे हैं कि व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव्स इन एयर कॉरिस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रिक्वेंसीज। मतलब हमें इनकी दो वेव लेंथ निकालनी और डिस्टिंग्विश करना है, क्योंकि जब फ्रिक्वेंसी में फर्क है तो वेव लेंथ में भी फर्क आएगा, तो वो वेव लेंथ का फर्क जो है वो हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है, कि कितना फर्क आएगा। ये इतनी कम फ्रिक्वेंसी है तो इसकी वेव लेंथ अलग आएगी, ये इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी है तो इसकी वेव लेंथ अलग आएगी। अच्छा, अगर हम एक चीज देखें तो फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ का जो है ना वो इनवर्स रिलेशन है, अगर कम फ्रिक्वेंसी हो ज्यादा वेव लेंथ, ठीक है। सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमें यहां पर भी एक वेव लेंथ चाहिए और यहां पर भी एक वेव लेंथ चाहिए, ठीक है। और आपको पता है कि अगर आपका फॉर्मूला जो है, और आपको एक स्पीड भी दी हुई है जो कि है 340 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये दोनों के लिए है, तो आप चाहे तो यहाँ भी लिख दें वी इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड, अगर अलग अलग डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अदरवाइज एक ही बार लिख देंगे, बहुत है, यहाँ लिखने की नीड नहीं है। अब क्या करेंगे, वी इज इक्वल टू एफ लैम, जो हमारे पास फॉर्मूला है, या आप यूं समझ लें कि हमारे पास वेव लेंथ का फॉर्मूला है v/f, ठीक है। तो लैम्डा 1 निकल जाएगा, अच्छा निकालें पहले, और फिर λ2 मैं यहाँ निकाल लूंगी, किस तरह, यही F1 यहाँ रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे F2, सिर्फ फ्रिक्वेंसी का फर्क आएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। सब कुछ में है क्या, 340 है, और फ्रिक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 20 हर्ट्स, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, एक आंसर आएगा हमारे पास, और जो ये 340 है और ये जो फ्रिक्वेंसी है वो है 20,000 हर्ट्स, तो तकरीबन आंसर सेम आएगा, बस पॉइंट का डिफरेंस होगा। तो एक हमारे पास आंसर आएगा 17, जब हम डिवीजन कर देंगे 17 मीटर, ठीक है, 17 मीटर हो गया। इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 0.017 मीटर, ठीक है। अच्छा, जो हमारी बुक में आंसर मेंशन है ना, वो है 58.8 मिलीमीटर और 58.82 मीटर, तो ये आंसर तो नहीं आ रहा है इस डाटा पर ना, तो मे बी बुक का आंसर रॉन्ग हो, सही है। अच्छा, मिलीमीटर में है ना एक आंसर, तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा। अब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे आप लोग, आपको पता है कि आपको 3 पॉइंट शिफ्ट करने होते हैं एक्सपोनेंशियल -3 लाने के लिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल -3 जो होता है वो मिली के बराबर होता है, तो आप 3 पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 17 मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें इस तरह का प्रॉब्लम दिया हुआ है कि एक शिप है जो अल्ट्रासोनिक पल्स जनरेट कर रही है, और डेप्थ में ना एक सबमरीन है, और जो अल्ट्रासोनिक पल्स है ना वो उस सबमरीन से टकरा कर वापस आ रही है। अच्छा, टकरा कर वापस क्यों आ रही है, क्योंकि लिखा हुआ है एंड द इको फॉर्म द सी बेड रिसीव आफ्टर 40 मिली सेकेंड, मतलब इको जनरेट हो रहा है। इको तो आप लोग को पता है, पिछली बार थी, मतलब पिछले साल माउंटेन वाली एग्जाम्पल्स थी जिसमें आवाज टकरा कर जो है वो वापसी रिपीट अपने आप को ही सुनाई देती है, तो इको मीन डबल डिस्टेंस ट्रेवल करना है एक्चुअली। अच्छा, इस इको को जनरेट होने में जो टाइम रेनोवेट हो रहा है वो 40 मिली सेकेंड है। अच्छा, ये मिली सेकेंड जो है ना, ये टाइम ही है, आपको पता है कि मीटर पर सेकेंड स्पीड होता है, ये मिली है, मिली किसके बराबर होता है, अगर आपको कन्वर्ट करना है तो एक्सपोनेंशियल -3 कहते हैं इसे, या फिर आप इसे यूं समझें कि डिवाइड बाय 1000 कर दें आप, तो ये मिली जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 0.04 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, ये वो टाइम है जो सबमरीन तक पहले जा रहा है, फिर सबमरीन से वापस शिप में आ रहा है, तो मतलब डबल टाइम है। तो हमें और हमें जो मालूम करना है वो मालूम करना है कि सबमरीन शिप से कितना दूर है, या सबमरीन कितनी गहराई में, सॉरी सबमरीन कितनी, शिप तो गहराई में नहीं होगी ना, सरफेस पर होगी,
और सबमरीन गहराई पर होगी, तो वो कितनी डेप्थ में है। तो डेप्थ का जो हमेशा डिस्टेंस ही कहलाता है, जो चीज़ हमें मालूम करनी है, डेप्थ बोले या डिस्टेंस बोले, एक ही बात है, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस का फॉर्मूला और टाइम दिया हुआ, तो आपको पता है कि स्पीड भी चाहिए होती है, तो यहाँ पे स्पीड दी हुई है आपको 1480 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपको पता है कि एयर में स्पीड कम, फिर वाटर में ज़्यादा, फिर सॉलिड में और ज़्यादा होती है साउंड की स्पीड। अब फिर सुन लें, एक सबमरीन है, एक शिप है जो अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट कर रही है, तो सबमरीन से टकरा कर वापसी शिप में आ रही है, तो डबल टाइम ट्रेवल कर रही है। क्या ट्रेवल कर रही है? डबल। तो आपको इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, तब वो टाइम सिर्फ वो टाइम कहलाएगा जो शिप से सबमरीन तक हो, शिप से सबमरीन तक का टाइम कहलाएगा। ठीक है, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ। वापसी आने का टाइम से हमें लिंक नहीं ना, मेरे सिर्फ यहां से यहां तक का डिस्टेंस मालूम करना है, सही। तो ये हो जाएगा 0.02 सेकेंड। ओके, ये हमारे पास डाटा आ गया। अब हमारे पास बहुत सिंपल सा जो है वो फॉर्मूला अवेलेबल है, वो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी, मतलब आपको वी को मल्टीप्लाई कर देना है टी से। अब वी क्या है आपके पास, वी है यहाँ पे 1480, टी क्या है आपके पास 0.02। ठीक है, ये आपके पास जो है वो सॉल्यूशन हो रहा है, सही है। तो क्या आंसर आ रहा है आपका, 1480 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग भी कैलकुलेटर लेकर बैठा करें, तो आंसर आ रहा है 29.6। अच्छा, बुक में आंसर है 29.6, 30 के बराबर लिख दें, तो वो ये राउंड ऑफ किया 6 है, तो आप एक बढ़ाकर लिख सकते हैं, एक डिजिट बढ़ाएंगे, 29 में 1 प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 30 मीटर आंसर हो गया। ओके, अभी आप क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया, जिसमें बस आपने डिस्टेंस मांगा था शिप में, शिप और सबमरीन का, और इको का वर्ड यूज किया था। न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पहले ना न्यूमेरिकल नंबर 4 के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं, एट नाइट बैट इमिट्स ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे। अच्छा, बहुत से जानवर जो है ना वो अपने इर्द गिर्द से फ्रिक्वेंसीज निकालते हैं डिफरेंट, अच्छा फ्रिक्वेंसीज और साउंड वेव्स कह रहे हैं यहाँ पे, वो साउंड डिफरेंट वेवलेंथ की हो सकती है, जरूरी नहीं वो साउंड हमें भी ऑडिबल हो, क्योंकि हमारी ना ऑडिबल एक रेंज है, लेकिन यहाँ पे बैट की बात हो रही है। इसी तरह समंदर के भी बहुत सारे जानवर हैं जो कि डिफरेंट टाइप की फ्रिक्वेंसीज जो है एमिट करते हैं। ठीक है, अच्छा बैट की, बैट को देख रहे हैं, बैट जो है वो नाइट के टाइम पे साउंड एमिट करता है। होता ये है कि जो वो साउंड इमिट करता है, साउंड मतलब वेवलेंथ एक फ्रिक्वेंसी इमिट करता है, तो इसके पैसेज में अगर कोई इंसेक्ट या कोई ऐसी चीज आती है स्मॉल सी, तो उसे टकरा कर वापस बैट के पास जाती है, उसे सिग्नल देती है कि उसके रास्ते में उसका जो प्रे है वो आया है, मतलब उसका फूड जो है वो है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पहले तो वो यहां गई, एक डिस्टेंस कवर किया, फिर यहां से वापस आई। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इस बात को हम रिपीट करेंगे। स्पीड दी हुई है यहाँ पे हमें, और 3 पार्ट दिए हुए, स्पीड यही लेकर तीनों पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले पार्ट में कहा हुआ कि आप बैट एमिट अ पल्स ऑफ साउंड ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दी हुई और फ्रिक्वेंसी निकालनी है, स्पीड है हमारे पास, वेवलेंथ है, तो फ्रिक्वेंसी निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर हमें टाइम दिया हुआ और कहा डिस्टेंस निकालना, स्पीड है और टाइम दिया हुआ है तो डिस्टेंस निकालना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, बस यहां पर आपको जो टाइम लेना है वो हाफ लेना है, क्योंकि यहां पर कह रहे हैं पल्स ऑफ साउंड हिट इट प्रे एंड रिफ्लेक्टेड बैक, रिफ्लेक्ट बैक मतलब गया और वापस आया, मतलब आपने पूरा टाइम लेना है 0.10 सेकेंड। ठीक है, लेकिन यहां के लिए आप लेंगे 0.05 सेकेंड, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस मालूम करना है सिर्फ यहां से लेके यहां तक का, वापसी आने का नहीं। ओके, इस तरह डाटा क्या हो गया हमारे पास, डाटा हो गया v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर 3 चीजें अलग अलग पार्ट, पहले पार्ट में हमें दी हुई है वेवलेंथ, जो वो जनरेट कर रहा है ना बैट, उसकी वेवलेंथ दी हुई है। ठीक है, अच्छा मुझे लगता है यहाँ से मिली जो है ना वो मिसिंग है, ये मिलीमीटर होना चाहिए था, क्योंकि जो ये आंसर इस तरह आया है, खैर हम मीटर के बेस पे कर लेते हैं, मिली के बेस पे करेंगे, मिली में आ जाएगा, कोई मसले की बात नहीं। और आपको मालूम करना है फ्रिक्वेंसी। ओके, आप सेकंड पार्ट में वो आपको कह रहे हैं कि यही भी यूज करें, पर मालूम करें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पल्स, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पल्स, मैं पूरा लिख रही हूँ,
क्योंकि दो तरह के डिस्टेंस है ना, तो पूरी वर्डिंग लिखना ज्यादा रहेगा। सही। ठीक है, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं, अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेल से मालूम करना, और टाइम भी दिया हुआ है आपको 0.10 सेकेंड। ओके, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बेड, डिस्टेंस बिटवीन डैम कह रहे हैं, चलें डिस्टेंस बिटवीन डैम। ओके अच्छा, यहाँ आपको टाइम हाफ लेना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा टाइम है ना 0.10 सेकेंड दिया हुआ नहीं है, तो इतना इससे हाफ लगेगा जो कि होगा 0.05 सेकेंड। सही, बस ये डिफरेंस है। ओके अब क्वेश्चन कर रहे हैं हम अपना कंप्लीट। वी इज इक्वल टू, हमें निकालना है एफ, तो आएगा वी अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब फ्रिक्वेंसी है वी 340 है, और आपके पास ये है 0.0080। ओके अब आंसर निकालते हैं, इसका आंसर क्या आया है, इसका आंसर आया है 42,500। अच्छा हमारे पास बुक में जो आंसर है ना वो दिया हुआ है मिलीमीटर में, अगर हमें दिया हुआ होता ना ये लैम्डा 0.0080 मिलीमीटर, तो हमारा आंसर बुक वाला आ जाता, अदरवाइज अभी नहीं आ रहा। अभी जो है वो यही आंसर है जो आपको मेंशन किया हुआ है यहीं तक। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस मालूम करना, आपको पता है डिस्टेंस तो आपने एस मेंशन किया हुआ है ना, कौन सा डिस्टेंस है, डायरेक्टली एस इज इक्वल टू वी टी कर लें, एंड में दोबारा वर्डिंग लिख दीजिएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पल्स, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम, जो भी आप वर्डिंग चाहें। वी क्या आपके पास 340 है, और मल्टीप्लाई करते हैं 0.10 से, तो आपके पास इसका आंसर आएगा, आंसर आया यहाँ पर हमारे पास 34 मीटर। ये भी बुक से मैच नहीं कर रहा, 17 मीटर आ रहा है, कंफर्म करना पड़ेगा मुझे। और एस इज इक्वल टू वी टी, यहाँ पर आप लिखेंगे 340 और 0.05। ओके तो ये आंसर आपका आएगा, यकीनन इससे हाफ कर दें, इससे हाफ आएगा, हाफ डिस्टेंस कवर किया है इसने, तो ये आंसर भी बुक से मैच नहीं हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन मतलब किसी और तरीके से, वैसे तो यही तरीका है इसको करने का, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होगी मैं कंफर्म करके आपको इसकी करेक्शन करवा दूंगी, लेकिन अभी जो करेक्ट और वैलिड तरीका है उसी तरीके से सॉल्व किया गया है, तो अभी मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम जो है नजर नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 न्यूमेरिकल थे इस चैप्टर के जो कि हमने कर लिए हैं, और एग्जाम्पल्स भी हैं वो भी मैं करवा दूंगी। अगर कोई डाउट हो आपको, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि उनका आंसर आपको जरूर दूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, फिर हम नई कुछ वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं।